नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी डेली भोजन के रूप में चावल और गेहूं का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, स्टोन यानी कि पथरी, किडनी फेल्योर और इवन कैंसर तक, इन सब बीमारियों के लिए बहुत हद तक चावल और गेहूं जिम्मेवार है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल मार्केट में चावल तथा गेहूं के जितने भी वैरायटी उपलब्ध हैं उनमें से कोई भी नेचुरल नहीं है, सारे के सारे GMO हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन सब के जेनेटिक संरचना में फेरबदल किया गया है। कंपनियां अपने मुनाफे के लिए इनके जेनेटिक संरचना में बदलाव करके अपने नाम से पेटेंट करवा लेती हैं और इन फसलों को उन्नत किस्म तथा ज़्यादा पैदावार के नाम पर किसानों को बेचती हैं, और वह भी ऐसा बीज यानी कि सीड होता है जिसका इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जा सकता है। इसे हम कठोर शब्दों में इनफर्टाइल या बांझ बीज भी कह सकते हैं। दूसरी बार फसल बोने के लिए किसानों को मार्केट से नया बीज लेना पड़ता है, मतलब किसान फसल उगाने के लिए कंपनियों पर डिपेंडेंट यानी कि निर्भर हो गए हैं, और वह भी ऐसा फसल है जिसे खाने पर बीमारियां होना निश्चित है क्योंकि यह फसल नेचुरल है ही नहीं बल्कि बनावटी है, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ किया गया है, इसके जेनेटिक संरचना को बदला गया है। अब हम बात करते हैं चावल तथा गेहूं में पाए जाने वाले फाइबर के बारे में। तो इन फसलों में फाइबर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और वे भी रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान नष्ट हो जाते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस में चावल को छिलकर सफ़ेद तथा चमकदार बनाया जाता है तथा गेहूं के आटे से फाइबर यानी चोकर को निकाल दिया जाता है, जिसके कारण आटा भी मैदा की तरह सफ़ेद और चिकना हो जाता है। जब हम इनका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं तो इनमें बहुत कम मात्रा में फाइबर होने के कारण इनका पाचन हमारे शरीर में बहुत ही तेजी से होता है तथा इनमें मौजूद शुगर एकदम से ब्लड में शूट कर जाता है, मतलब भोजन में मौजूद सारे के सारे शुगर ब्लड में चला जाता है, जिसके कारण ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाता है, मतलब ब्लड में मौजूद पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, और फिर ब्लड में पोषक तत्वों के संतुलन बिगड़ने से आपके शरीर में कई तरह के बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत, जब आप भरपूर फाइबर युक्त अनाज का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं तो इनमें मौजूद फाइबर के कारण हमारे शरीर में इनका डाइजेशन बहुत धीरे धीरे यानी कि स्लोली स्लोली होता है, और फिर इनमें मौजूद शुगर भी ब्लड में बहुत धीरे धीरे जाता है, ड्रिप बाय ड्रिप यानी कि बूंद बूंद करके, जिसके कारण ब्लड में मौजूद पोषक तत्वों का संतुलन नहीं बिगड़ता है। ऐसे में शरीर में बीमारियों के होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और अगर आप बीमार हैं तो उसे ठीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो चावल और गेहूं के स्थान पर मिलेट्स का उपयोग करें, इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी है। और अगर आप सक्षम नहीं हैं या किसी भी कारण से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फ्राइड राइस के स्थान पर ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें तथा रिफाइन आटे के स्थान पर चोकर युक्त आटे का प्रयोग करें या मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें, जैसे गेहूं यानी कि व्हीट, जौ यानी कि बार्ली, चना यानी ग्राम तथा सोयाबीन जैसे अनाजों को मिलाकर पीसे हुए आटे का इस्तेमाल करें। और अगर आप सक्षम हैं तो मिलेट्स का ही प्रयोग करें, क्योंकि इसमें हमारे शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा इसके जेनेटिक संरचना में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेहत से संबंधित इसी तरह के खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें।
और सेहत से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।